पीएम मोदी ने बाइडेन के साथ वर्चुअल मीटिंग में यूक्रेन रूस पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने पुतिन को जेलेंस्की से सीधी बात का सुझाव दिया। आपको बता दें कि सोमवार को दुनिया के दो बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष वर्चुअली जुड़े। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर थी। मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका और भारत यूक्रेन में रूसी युद्ध के अस्थिर प्रभावों से निपटने के लिए विचार विमर्श जारी रखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट से निपटने के लिए पुतिन और जेलेंस्की के बीच बातचीत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने यूक्रेन की स्थिति को चिंताजनक बताया। उन्होंने आशा जताई कि मॉस्को और कीव के बीच बातचीत से शांति आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कुछ समय पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे। इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से निकालने में सफल हुए। हालांकि एक छात्र ने अपने जीवन को खो दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से फोन पर बात की। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत चिंताजनक थी। उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन की आम जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की आपूर्ति के लिए भी महत्व दिया है। हमने अपनी तरफ से दवाइयां और राहत सामग्री यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों को भेजी है। यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों की एक और खेप भेज रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।